बीना देवी जो है इसके पहले आपका सांसद रह चुकी हैं, उनका कैसा कार्यकाल रहा है? उनका कार्यकाल काफी जो है कि निंदनीय रहा है, और वैशाली की जनता ने आदरणीय मोदी जी पे विश्वास करके, बीना देवी को तो कोई जनता तक भी नहीं था, आदरणीय मोदी जी के नाम पे, और ये मोदी लहर में मोदी जी ने जुमलों की बात करके 15-15 लाख देंगे आपको जो है कि रोजगार देंगे, और ये कुछ नहीं दिए, और जनता ने जो है उन पे भरोसा किया और उस भरोसे को पूरी तरह से वह तोड़ दिए। मोदी जी की उत्पत्ति जो है ना शुरू से मंदिर मस्जिद और जातीय उन्माद के अंतर्गत उनकी उत्पत्ति हुई है, और वो हमेशा से शुरू से मंच के माध्यम से भी झूठा भाषण देना और हिंदू के नाम पर उनकी राजनीतिक उत्थान हुई है। हालांकि नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं एग्जाम बिहार। इस वक्त हम लोग हैं गौड़ा पंचायत में जो कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आइए जानते हैं हमारे यहाँ अभी जो है विकास यादव जी हैं जो कि छात्र राजद के महासचिव हैं। क्या कहना चाहिएगा आपकी बार वैशाली लोकसभा क्षेत्र के बारे में? सबसे पहले तो एग्जाम बिहार के इस जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और वैशाली लोकसभा की जहां तक बात है तो वैशाली लोकसभा काफी दिनों से जो है कि गुलामी की जंजीरों में जो है कि जकड़ी हुई है, और इस बार के इस चुनाव में आदरणीय गरीबों के मसीहा लालू जी ने अपने नेतृत्व में यहां से गरीबों के दिग्गज नेता आदरणीय मुन्ना शुक्ला जी को भेजे हैं, जो कि वैशाली के आवाम को रोजगार और उनके जो है कि मुख्य मुद्दों को लेकर के और यहाँ आए हैं। तेजस्वी जी के जो है कि जो उनका मुद्दा है 1 करोड़ नौकरी देने का जो वादा उन्होंने किया है उसको लेकर गांव-गांव तक जा करके, और वो वैशाली के आम जनता से जो है कि अपील कर रहे हैं। और जहां तक इस भाजपा सरकार की बात है, ये भाजपा की जो सरकार है ये पूरे देश में कभी राम मंदिर की बात करके, कभी हिंदू मुस्लिम की बात करके, और कभी गांव की बात करके, और पूरे देश के मुख्य मुद्दों को और रोजगार की बातों को जो है कि ये दबाने का काम किया है, और लोगों को जो है कि जुमलेबाजी और ये जो है कि झूठ साथ बोल करके लोगों को ठगने का काम किया है, और 10 साल तक लोगों ने इनके जुमलेबाजी पे जो है कि अटूट विश्वास करता रहा है। लेकिन इस बार के इस लोकसभा चुनाव में जनता इनसे जो है कि पूरी तरह जो उग चुकी है, और इस पूरा देश की जनता जो है बदलाव की परिवर्तन की मूड में है, और परिवर्तन के बिना हमारे देश और हमारे समाज का विकास और उन्नति और प्रगति रुक जाता है, और इस बार बदलाव निश्चित है और बदलाव होकर रहेगा। वैशाली की जनता इस बार बदलाव के लिए तैयार है, और आदरणीय मुन्ना शुक्ला जी को लालटेन छाप पर अपार मतों से यहाँ चुनाव वैशाली की जनता जिताने जा रही है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अच्छा, आप जो है मुन्ना शुक्ला जी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हमारे ग्राउंड रिपोर्ट पे यह भी पता चला है कि मुन्ना शुक्ला जो है बाहुबली है, इसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? बाहुबली की जहां तक बात है तो मुन्ना शुक्ला जी आम जनता के प्यार और आशीर्वाद है उनके साथ, और जनता का जो है कि पूरा हुजूम है उनके साथ, इसलिए वो उनको इसलिए भी बाहुबली कहा जाता है। आज देख ही सकते हैं आपके सामने साक्षात है कि जब से उनको टिकट मिला है वैशाली इस लोकसभा में, इस पूरे लोकसभा का जो पूरा आम आवाम है पूरे जोश और जुनून में उनके साथ जो रहती है, तो इसलिए भी जो विपक्ष के लोग हैं उनको बाहुबली का दर्जा देते हैं, तो ये जनता का लाड प्यार है। बीना देवी जो है इसके पहले आपका सांसद रह चुकी है, उनका कैसा कार्यकाल रहा है? उनका कार्यकाल काफी जो है कि निंदनीय रहा है, और वैशाली की जनता ने आदरणीय मोदी जी पे विश्वास करके, बीना देवी को तो कोई जनता तक भी नहीं था, आदरणीय मोदी जी के नाम पे, और ये मोदी लहर में मोदी जी ने जुमलों की बात करके 15-15 लाख देंगे आपको जो है कि रोजगार देंगे, और ये कुछ नहीं दिए, और जनता ने जो है उनपे भरोसा किया और उस भरोसे को पूरी तरह से वह तोड़ दिए, और जिसके कारण जो है कि आज वैशाली में बीना देवी का कहीं कोई चर्चा नहीं है। यहाँ हम लोग मुन्ना शुक्ला जी को अपार मतों से चुनाव जिताकर दिल्ली भेजने का काम। नरेंद्र मोदी की जो आप बोल रहे हैं लहर है ना, उसी क्रम में अभी कोविड शील्ड पे जो चर्चा है चल रहा है, जो न्यूज आ रही है उससे जो खतरनाक दुष्परिणाम निकल के आ रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहिएगा? ये कोविड शील्ड की जहां तक बात है तो आदरणीय मोदी जी ये कोरोना वैक्सीन ये जो एक कंपनी है इस कंपनी से काफी अधिक मात्रा में चंदा लेकर के और पूरे देश में आम जनता को ब्लैकमेल करके आपको राशन नहीं दिया जाएगा, आपको किरासन नहीं दिया जाएगा, आपको रेलवे टिकट नहीं मिलेगा, आपको एयर टिकट नहीं मिलेगा दिया जाएगा, और इस प्रकार से आम जनता को टॉर्चर करके और उनको कोविड शील्ड लगवाया गया, और मोदी जी ने इस कोविड शील्ड के माध्यम से पूरे देश के आम आवाम को जो है कि ठगने का काम किए, और उस कोविड शील्ड के सर्टिफिकेट पे यहां तक कि मोदी जी ने इसको भी नहीं छोड़ा, उस पर अपना फोटो तक जो है कि दे दिए। लेकिन अभी जो है उस पे से अपना फोटो हटवा लिए हैं, इसलिए हटवा लिए हैं कि वो तो जान गए कि अब इस कोविड शील्ड का जो है कि काफी दुष्प्रभाव इस पूरे देश के आम नागरिक पे जो लिए हैं वो काफी इसके जो है कि गलत शिकार हो रहे हैं, लोग जो है कि मर रहे हैं, काफी लोग हार्ट अटैक का जो है कि शिकार होता जा रहा है, इसलिए मोदी जी अब फंस चुके हैं बुरी तरह, और पूरे देश की जनता अब जान चुकी है कि मोदी जी पूरे देश की जनता को ठगने और लूटने का काम किया और मारने का काम किया। मोदी जी
गरीबी हटाने की बात करते हैं, ये गरीबी हटाने की बात नहीं है, गरीबों की हटाने की बात करते हैं, ये पूंजीपतियों की सरकार है। आज अडानी और अंबानी की जो आय है वो कोरोना जैसे महामारी में भी सैकड़ों गुना बढ़ गया और आम गरीब का जो है कि रोजी और रोजगार रोजमर्रा की जो है कि सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। चलिए, ये रहे हमारे विकास यादव जी जो कि छात्र राजद के मुजफ्फरपुर के जिला महासचिव है। हमारे देश के अमर शहीद शहीद भगत सिंह कहते थे या कहा करते थे कि हमारे देश के जो छात्र है वो राजनीति में चढ़ बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए शिक्षा ग्रहण करते हुए। तो हम लोग चाहेंगे कि आप लोग जो है अपने देश का रीढ़ की हड्डी है, इसी तरह से शिक्षा ग्रहण करते हुए और राजनीति में भी सक्रिय रहिए ताकि अपना देश को मजबूती प्रदान कर सके। जी बिल्कुल। चलिए सर, आपका आपका नाम क्या हो गया सर? मेरा नाम हो गया पंकज कुमार तिवारी। पंकज कुमार तिवारी जी, आप कवि भी हैं जी। तो कहने का मतलब है कि मोदी सरकार जो है अभी जो है मतलब इस बार चुनावी लहर चल रही है, इस पर क्या कहना चाहिएगा? देखिए, मोदी जी की उत्पत्ति जो है ना शुरू से मंदिर मस्जिद और जातीय उन्माद के अंतर्गत उनकी उत्पत्ति हुई है और वो हमेशा से शुरू से मंच के माध्यम से भी झूठा भाषण देना और हिंदू के नाम पर उनकी राजनीति की उत्थान हुई है। हालांकि वे हिंदुत्व का राजनीति नहीं करते हैं, वे आप शुरू से देखिएगा कि लगभग जब से भारतीय जनता पार्टी अधिकार में आई है आपको राज्य से लेकर केंद्र स्तर तक उस समय तक आपको क्रिश्चियन स्कूल के माध्यम से चर्च के माध्यम से हिंदुओं को जो है ना क्रिश्चियन बनाने का यह खेल चल रहा है और आज तक इसके कोई है ना कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ, ना उनके स्थानीय विधायक किए, ना कोई उनका किसी पार्टी का कोई मेंबर किया, ना कोई सांसद किया, ना कोई आरएसएस का कोई मेंबर किया। इस उनके स्थानीय विधायक क्या करेंगे? उनका जो भी कैंडिडेट है उनसे पूछा जाता है कि आप क्या कीजिएगा जीत करके, तो जो जाने मोदी जी जाने, तो जो भी करना है मोदी जी को करना है ना। देखिए, स्थानीय विधायक अभी तो हम लोग साहेबगंज विधानसभा में खड़े हैं, गौरा चचाही पंचायत जो है ना ये है, तो स्थानीय विधायक यहाँ के हैं राजू कुमार सिंह और पारू विधानसभा के अशोक कुमार सिंह है, बगल में है आपको बीजेपी के बनुराज विधानसभा के अरुण कुमार सिंह है, माननीय सांसद महोदया बीना देवी जी हैं। लेकिन ये लोग तीनों आदमी जो है ये तीनों आदमी का कोई पार्टी नहीं है। लोग जब जिसका हवा देखता है उस समय वो क्या करता है कि लोग पैसे के दम पर जो है टिकट खरीद के ये लोग अपना जो है ना स्वार्थी और अवसरवादी राजनीति करता है। जो अभी वर्तमान में आपको माननीय सांसद महोदया जो है ना बीना देवी टिकट लेके आई है लोकसभा से, इसका प्रमाण है। आपको रामा सिंह भी इसके पहले थे जो जीतने के बाद नजर नहीं आए। तो इस बार आप लोग वैशाली लोकसभा में किसको चुन रहे हैं? देखिए, वैशाली लोकसभा में एकदम स्पष्ट बहुमत है मुन्ना शुक्ला जी की तरफ, इसलिए पूरा मुन्ना शुक्ला जी इसके पहले भी दो से तीन बार यहां से लोकसभा चुनाव प्रत्याशी के रूप में आ चुके हैं। वे नया कैंडिडेट नहीं है, नया उम्मीदवार नहीं है, उनको सब कोई जो है ना अच्छी तरह जानता है और वे गरीबों शोषितों और वंचितों के प्रति वे हमेशा जो है ना मदद करने के लिए तत्पर रहे हैं। इसलिए पूरा समाज जो है इस बार मुन्ना शुक्ला की तरफ जो है ना उनको वोटिंग करेगा, उनको चुनेगा और दिल्ली भेजने का काम करेगा। अच्छा, ऐसा सुनने में आता है मुन्ना शुक्ला जी जो है फोन करके ही वो अपने गरीब जनता को जो है मदद करते हैं। देखिए, मुन्ना शुक्ला जी जो है ना, देखिए उनमें अपना भी ऐसा समझिए कि ईश्वरीय शक्ति के द्वारा उनको अपना प्रदत्त हुआ है, उनमें उतना कैपेसिटी बना के रखे हुए हैं जो गरीबों को जो है ना अगर वे मदद करते हैं तो फोन या उनका नाम ही काफी है। इसके पीछे कहीं बाहुबली होने का भी तो कारण हो सकता है? देखिए, बाहुबली देखिए भगवान आज से ही नहीं जब से सृष्टि का रचना हुआ है तो राम और कृष्ण जन्म लिए, तो बाहुबली जहां तक बात है वो सब जो है ना ईश्वरीय देन है, गॉड गिफ्टेड चीज है। सब आदमी के अंदर कुछ ना कुछ ईश्वरीय शक्ति होता है, उसी के माध्यम से उसी के दमखम से वह किसी गरीब शोषित वंचित को जो है ना मदद करता है और वह हमेशा इस धरती पर विद्यमान रहा है। आपके बारे में हम पहले से जानते हैं कि आप एक कवि हैं, है ना, कुछ आप सुनाना चाहिएगा? देखिए, कवि तो मतलब कि सब ऊपर वाले की कृपा है और शुरू से ही मैं लगभग समझिए कि हिंदी विषय में मेरा रुचि रहा है और कंटिन्यू लगातार अध्ययन के दौरान मुझे जो है ना कविता लिखने की मेरे अंदर प्रेरणा जगी। इसका परिणाम आप लोगों के सामने है कि मैं लगभग इससे पूर्व भी मैं कई चैनलों पर मैं जो है ना इंटरव्यू दे चुका हूँ, जो कि मैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामविचार राय जी के ऊपर भी मैंने तीन चार कविताएं लिखी है, अम्बेडकर जी के ऊपर भी, कर्पूरी ठाकुर जी का जो जयंती शताब्दी समय।